हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी खूब अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हो गया है सुबह का आगाज और घड़ी में बज गया है अभी 7:45। तो दोस्तों, अभी से मैं अपना ब्लॉग आज का स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी घर की साफ सफाई चल रही है। बहुत दिनों से घर की साफ सफाई मैंने की थी, इतनी अच्छे से नहीं की थी जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में कहा है कि मैं घर को एकदम अच्छे से साफ करूंगी। तो देख सकते हो, मैं इसमें जो कवर था उसको चेंज कर दी, उसको पोछ दी हूँ। उसके बाद सोफे में कवर था उसको चेंज कर दी हूँ। उस टेबल फैन में कवर था उसको चेंज कर दी हूँ। इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज की हूँ, टीवी को उधर खसकाई हूँ और यहाँ पर कुछ फोटोज़ रख दी हूँ दूसरे एंगल्स में। और बिस्तर बेडशीट को चेंज की हूँ, पिलो कवर चेंज की, मैं सबको उठा ली हूँ। अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी और घर पूरा गंदा है, देख रहे हो, दिखेगा आप लोगों को थोड़ी देर में। मैं झाड़ू लगा लूँगी और यहाँ पर है पूरे शॉपिंग का सामान जो कि मैं आप लोगों को एक दिन लेके ज़रूर बैठूंगी दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है अभी तक अपने बेटे के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे पापा के लिए क्या क्या किया, वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और मेरा वाला जो है वो दोस्तों मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो अब तक नहीं आया है, वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। दुर्गा पूजा का शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हमारा दुर्गा पूजा का शॉपिंग हो ही गया है और थोड़ा बाकी है, जैसे कि कुछ कुछ एक्सटर्नल कपड़े होते हैं वो सब बाकी है। तो अभी फिलहाल ज़्यादा बकवास नहीं करके घर का काम करती हूँ, नीचे जाऊँगी, बेटे को ब्रश कराऊँगी। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 7:45 बज चुका है। तो देखा जाए कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करती हूँ और आप लोग बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, ब्रश करने के बाद, बेटे को ब्रश कराने के बाद बेटा भी थोड़ा शांत से बैठा है। तब तक मैं अपने सर में तेल लगा लूँगी। तो मैं मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल अभी तेल में लगा रही हूँ। तो जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ दोस्तों, उस दिन मैं ऑनियन हेयर ऑयल ज़रूर लगाती हूँ अपने बालों में। और ये जो है वे मैंने 2020 में ख़रीदा था तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है मेरा ये ऑनियन हेयर ऑयल। बहुत रेयर यूज़ करती हूँ तो सोचा आज भी यूज़ कर लेती हूँ, तो जिससे हेयर फॉल कम होता है, बट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं बालों में तेल कैसे से कंघी कर लूँगी और 2 घंटे बाद शैम्पू कर लूँगी दोस्तों। और ये है बेटे का ब्रेकफास्ट, चोकोज और मिल्क। तभी मैं चोकोज और मिल्क को उसको खिला दूँगी ताकि उसका पेट भरा रहे और वह तब तक कुछ खेले वगैरह, मतलब खेले। और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। पापा सोफ़ा में बैठे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, सोफ़ा में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। और मैं यहाँ पर केले का फूल काट रही हूँ, मतलब बनाना फ्लावर, जो कि बहुत टेस्टी होता है। तो मम्मी आज इसको बनाएगी कम मसाले के साथ बिल्कुल। पहले प्रेशर कुकर में इसको बॉईल कर लेगी और इसमें जब भी इसमें काटना होता है दोस्तों, तो हाथों में आटा लगा के काटने से जो है उसका जो रस है वो हाथों में नहीं लगता और ब्लैक कलर नहीं होता है। और जिस कटोरी में आप रख रहे हो, जिस पतीले में या जिस गमले में आप रख रहे हो, उस पानी में अगर हल्दी डाल दो तो इसका जो बनाना का फ्लावर है वो ब्लैक नहीं होता है, उसका कलर जैसे नेचुरल है वैसे ही होता है। तो वही मैं कर रही हूँ, मैं पानी में थोड़ा तेल हल्दी डाल दी हूँ ताकि जो बनाना का फ्लावर का कलर हो वो वैसे ही रहे। हाथों में थोड़ा आटा भी लगा ले रही हूँ ताकि आटे से मेरे हाथ में जो चिपचिपापन है वो ना हो और काला भी ना पड़े हाथ में। तो अभी मैं सब्जी काट के मम्मी को हैंड ओवर कर दूँगी ताकि मम्मी इसको प्रेशर कुकर में पका ले। हेलो फ्रेंड्स, आगे आप लोगों के बीच आ रहा है बहुत देर बाद, अभी बज रहा है रात का 10, मतलब मैं सुबह मिली थी उसके बाद अभी मिलने आई हूँ क्योंकि कुछ दिखाने लायक तो बहुत कुछ था। हाँ, वो रहा मेरा बेटे का ग्लास, सजा के रखा है, पिरामिड बना के रखा है। और आज मेरे घर में बन रहा है माय मोस्ट फेवरेट इस सीजन का सबसे शहीदा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देख के तो आप लोगों को पता चली गया उसकी क्या है। ये एक्चुअली है ताल बोलते हैं, ये पका नहीं है, कल पकेगा। और ये मम्मी पल्प निकाली है छलनी की सहायता से,
इस वाले छलनी की सहायता से निकाली है। और इस वाले छलनी की सहायता से निकाली है, तो इसको फिर गुड़ के साथ पकाइए मम्मी। और इसमें थोड़ा सा आटा, इसमें एक्चुअली गुड़ दी है तो इसमें चीनी देने की जरूरत नहीं है, इसी पल्प से, इसमें चीनी भी दी है थोड़ा सा। अच्छा, इस पल्प से इसको गूथेगी मम्मी। थोड़ा सा मोयम दिया ताकि पूरी हो, पूरी जो है वो सॉफ्ट हो। और यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा गूथ के रखी है मम्मी पापा के लिए, तब इसका पूरी बनेगा दोस्तों। और पापा के लिए बना है पपीते का सब्जी जो कि कुकर में है, तो कुकर में है। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे घर में बन रहा है दाल का पूरी, दाल के पल्प का पूरी। अभी तक बना नहीं है, जब बनेगा तो जब दिखाऊंगी जरूर, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और मेरे बेटे का ट्रेन गाड़ी आप लोग देख लो एक बार। तो उसका गाड़ी आप लोग देख लो पहले। घर में खिलौनों का कोई अंत है नहीं, जहाँ देखो वही खिलौना, जहाँ देखो वही। आप लोगों को बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ, खिलौनों का कोई अंत नहीं है, जहाँ देखो वही पे खिलौना देख सकते हो। बिस्तर में भी खिलौना पड़ा है, यहाँ पे भी खिलौना सजा हुआ है, वहाँ पे भी कुछ खिलौना सजा हुआ है, वहाँ पे भी कुछ खिलौना सजा है। तो चारों तरफ उसका खिलौना ही खिलौना आप लोग को दिख रहा होगा। और जैसे कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं, आप लोग के साथ मैंने वीडियो शेयर नहीं किया है, तो ये मैं शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग देख लो मेरे इस साइड। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो कि मेरे हस्बैंड कल चले गए हैं, तो मैं कल ब्लॉग नहीं बनाई थी पूरे दिन, लेकिन उसका क्लिप्स है मेरे पास, तो मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर दी। और बंद करो बेटा। तो दोस्तों आज पूरे दिन क्या हुआ, तो पूरे दिन ये हुआ कि थोड़ा सा पढ़ाई की मैं, उसके बाद बेटे को पढ़ाया, तो बेटे को पढ़ाते पढ़ाते टाइम ज़्यादा निकल गया मेरा। उसके बाद मैं नहलाई, फिर खुद नहाई, और नहाते नहाते 12:30 बज गया। उसके बाद मैं लंच कर ली, तो लंच में था हमारा बनाना के फ्लावर का सब्जी, प्रॉन्स फ्राई और आलू का चोखा, दाल और चावल, यही था हमारे आज लंच मेनू में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी अभी। तो ब्लॉग कंटिन्यूस नहीं आ पा रहा है, रीज़न बस यही है कि थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरा। और बाल अभी तक मैंने कंघी भी नहीं किया है, सुबह बस शैम्पू की थी, वही उसको समेट के रखी हूँ, तो कल कल सुबह करूंगी। तो आप लोगों ने सुबह देखा मैं बस तेल लगाई, उसके बाद शैम्पू की थी, तो शैम्पू करने के बाद बाल वैसे ही सूख गया। उसके बाद मैंने कंघी वगैरह नहीं किया है, और हाथ पे लगाई हूँ रेड कलर का नेल पॉलिश, और पाँव में भी लगाई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो पाँव में भी लगाई थी रेड कलर का नेल पॉलिश, तो मेरा बेटा भी गया है, बोल रहा है मैं भी लगाऊंगा। परसों लेके आई थी दोस्तों, बाजार गई थी पापा के हस्बैंड के साथ, तो लेके आई थी। बेटा एगलो लिस्ट ना, एगलो मेन है जिनिस, तुम्हें देखे था, तुम्हें गुड बॉय, यू आर बॉय, यू आर नॉट गर्ल। तो ये बोल रहा है मैं नेल पॉलिश लगाऊंगा, पूरा फैला रहा है अभी फिर से सामानों को, फैला रहा है, निकाल रहा है, बोल रहा है देखो देखो। पहले तो घर पूरा बिखेर के रखा है देख सकते हो, और फिर यहाँ पर ये सब लेके बैठा हुआ है। तो पूरे दिन बस इसका ही सामान समेटते रहो, घर में यही काम है मेरा। अभी देखो पूरा ड्रॉयर को निकाल रहा है, ड्रॉयर से सब निकाल रहा है। अच्छा, पुलिस मिल गया। मेरा बेटा जो है आजकल जो हिंदी है वो थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, तोड़ तोड़ के हिंदी बोल रहा है, जैसे नेल पॉलिश मिले गए थे, मतलब मिल गया। अभी देखो नेल काजल लगा रहा है वो खुद से, इसको भगवान लड़की बनाते बनाते लड़का बना दिया। पहना दो काजल, पहना दो, पहना दो। तो दोस्तों बेटे का बदमाशी तो चलता रहेगा, और अभी घर समेटना भी पड़ेगा मुझे, तो उससे पहले आप लोग देख लो मम्मी इस मौके में पूरी बना भी ली है। तो ये पूरी बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों, बहुत मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है, जो बंगाली हो उनको, उनका तो ये फेवरेट होगा ही। तो अभी बेटे को मैं खिला दूँगी, बट बेटा नहीं खाएगा पूरी, वो बोल रहा है। और ये है पापा के लिए पपीते का सब्जी, जो कि इसमें गोलमरीच डाल के मम्मी अभी गर्म कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, डिनर करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए हैं, मैं और मेरा बेटा। अभी बज रहा है घड़ी में 10:10, और बिस्तर भी मैंने बना लिया है। अपन स्टार्ट कर भी ना एकदम, बिस्तर भी मैंने बना लिया है,
वो पैंपर्स नहीं पहन रहा है कल से, तो मैं बोली अगर टॉयलेट किया तो बहुत मार मिलेगा, इसलिए मैं इसको बिछा ली हूँ अभी। अगर सच में वो टॉयलेट किया तो बहुत मार मिलेगा। करेगा टॉयलेट? नहीं करेगा बोला है। और दोस्तों मेरे बेटे का ट्रेन, तो वो दिन भर ट्रेन गाड़ी आप लोगों को दिखाता रहेगा। अगर वो ब्लॉगिंग किया तो आप लोग गाड़ी देख देख के और खिलौना देख देख के पागल हो जाओगे। तो दोस्तों अभी मैं खाने वाली हूँ दवाई जो कि मुझे मिला है, आप लोग पढ़ोगे, इविटॉल फैटी एसिड ओमेगा 3 के साथ फैटी एसिड्स कैप्सूल्स है। तो मेरा फैटी लीवर थोड़ा सा निकला, जैसे 35-40 निकला है, 35 तक नॉर्मल है, 40 निकला है, तो थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मिला है। और एक कैप्सूल मिला है खाने को, तो पूरा पूरा मुझे 3 दवाई मिला है, सुबह एक खाली पेट में, दोपहर को लंच के बाद 2 और डिनर के बाद 2, तो दोनों लेती हूँ। और डिनर में तो आप लोगों को पता ही आज था मेरा मोस्ट फेवरेट दाल का पूरी। तो दोस्तों बात यह है कि मेरा भी डाइट पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है, जो मिल रहा है वही खा ले रही हूँ। अच्छा मेरा बेटा मैगी खाया है, सच में वो मैगी खाया है क्योंकि उसको बहुत दिन बाद, कल मैगी नहीं है स्कूल, कल नहीं है परसों है स्कूल, कल छुट्टी है। ये भगवान स्कूल छुट्टी क्यों मिलता है बच्चों को? स्कूल मैगी पोहा मैगी दे बे। अच्छा पोहा मैगी खाएगा वो, तो वो पोहा मैगी स्कूल में खाएगा और घर में खाएगा नूडल्स मैगी। तो नूडल्स मैगी आज था एक पैकेट तो बना दिया है मैंने, अब खरीद के लाऊंगी तब बनाऊंगी। तो दोस्तों अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ पानी का बोतल 3, तो एक कल का है, या दोपहर को बेटा लेके आया, ब्लू वाला मैं लेके आई हूँ, तो इतना सारा पानी अभी जमा हो गया है वहाँ, तो जो भी जितना कंज्यूम होगा होगा, नहीं तो फिर वो रह जाएगा फिर कल के लिए। तो भाई मैं ये दवाई खा लूँगी और उसके बाद में और मेरा बेटा सो जाएंगे। और जा मैं हेडफोन लाना या ऊपर भूल गई, नहीं तो वीडियो एडिट हो जाता। तो जो भी हो दोस्तों अभी हम लोग सोने की तैयारी में हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी था तो थोड़ा एसी ऑन किया है। अभी मच्छरदानी लगाएंगे, फैन चलाएंगे और सो जाएंगे हम दोनों, मतलब मैं और मेरा बेटा। तो हस्बैंड है नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल मूड, हंसी हूँ लेकिन हंसी हंसी होना पड़ता है हर फौजी को, मतलब फौजन को, तो हंसी ही हूँ कि बेटा है सामने, अगर मैं उदास रही तो बेटा फिर क्या करेगा, इसलिए खुश रहती हूँ। वो तो वीडियो कॉल में बात कर ही ले रहे हैं, तो पहले का दिन था जब हम लोग क्या बताओ, पहले हम लोग का जब शादी वैसे नया नया, तो वीडियो कॉल वगैरह भी बहुत रेयर होता था क्योंकि नेटवर्क इशू था बहुत, तो वीडियो कॉल भी नहीं होता था। उसके बाद 4-5 महीने 6 महीने बार बार आते थे, अभी तो फिलहाल आ जा रहे हैं और वीडियो कॉल है तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर कब आते हैं वो देखने वाली बात नहीं। हाँ दोस्तों देखो मेरे बेटे, आप लोग भी मेरे बेटे के दोस्त हो, तो दोस्तों देखो। तो जो भी हो दोस्तों आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो पसंद आए तो। और कल मैं फिलहाल जरूर कुछ नए स्पेशलिटी के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू। और